भारत बनाम जिम्बाब्वे 5 मैचों की T20 सीरीज खेला जा रहा है। यह मैच जिम्बाब्वे के घरेलू मैदान पर खेला जा रहा है। फ्रेंड्स, भारत जिस तरीके से पहले T20 मैच में फेल हुआ था, उसको देख करके भारत के जो फैंस हैं, भारतीय फैंस को यकीन नहीं था कि भारतीय टीम अभी T20 विश्व कप जीत कर आई है। भारतीय टीम अभी विश्व विजेता बनकर आई है और उसके बाद अभी जिम्बाब्वे का दौरा करने गई हुई है भारतीय की युवा टीम, जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं सुमन गिल। जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम को हराया था और उसके बाद भारतीय टीम की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, लग नहीं रहा था कि भारतीय टीम इस तरीके से हारेगी, लेकिन उसके बाद दूसरी T20 मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम ने कमबैक किया है, काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स, भारतीय टीम इसी तरीके के परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया है और सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। हाँ जी फ्रेंड्स, हरारे के स्पोर्ट्स क्लब में यह मैच रविवार को खेला जा रहा था। भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत के ओपनर सुमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शानदार पारी खेली और भारत ने 2 विकेट खोकर के 234 रन जड़ दिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंदों पर 77 रन, रिंकू सिंह शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों में 48 रन जड़ दिए। वहीं पर अभिषेक शर्मा, जो कि भारतीय टीम के ओपनर हैं और पिछले मैच में 0 रन पर आउट हो गए थे, अभिषेक शर्मा को सब लोग जानते हैं जिन्होंने IPL में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। सनराइज हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करते हुए ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करते हुए उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी थी। तो इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 47 गेंदों पर शानदार शतक जड़ दिया और अभिषेक शर्मा की वाहवाही होने लगी। लेकिन पिछले मैच में अभिषेक शर्मा जिस तरीके से फेल हुए, उसके बाद अभिषेक शर्मा की आलोचना भी हुई थी। हाँ जी फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मुजरानी और मकदजा ने 1-1 विकेट लिए। वहीं पर जिम्बाब्वे को चेस करने के लिए 235 रन चाहिए थे, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम 18.4 ओवर में ही निपट गई और 134 रन पर ही सिमट गई। हाँ जी फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे के लिए बेस्ली मधवरे ने सबसे ज़्यादा रन 43 रन बनाए और ल्यूक ने 33 रन बनाए। ब्रेन वेंटन ने 26 रन। भारत के लिए अवेज खान और मुकेश कुमार ने 3-3 विकेट लिए। रवि बिश्नोई की बात करें, जिन्होंने पिछले मैच में भी शानदार विकेट ली थी, इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेट चटके। वाशिंगटन सुंदर की बात करें, उन्होंने 1 विकेट लिए। भारतीय टीम इस तरीके से दूसरे T20 मैच 100 रनों से जीत लिया है और जिम्बाब्वे को उनकी औकात दिखा दी है। हाँ जी फ्रेंड्स, भारतीय टीम ने शानदार और कमाल का प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस भारतीय युवा टीम के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।